एक एक दिन 25-25 लाख का इनकम। 25-25 लाख भोपाल में से पूछेगा तू? भोपाल से आया सब यहाँ नहीं समझा तू मैंने? अरे भैया कुछ भी दे देगा तुमने, इतनी महंगी मोबाइल ऐसा ही तुमको दे देगा अबे। जो समझाया था तो समझ नहीं आया था तुम्हें उस टाइम? महंगे महंगे मोबाइल रखते हो, हीरोगिरी करते हो मुझे। अरे भाई एक बार भोपाल में पकड़े गए, पता है तुमको ये लोग यही काम करते हो, मुझे कहानी सुना रहे हो? कोई डर नहीं तुम्हें दुर्ग पुलिस का? तेरे जेल देखा है? तो दुर्ग जेल में तुम्हारा स्वागत है। 6 दिन में केवल 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिए तुम लोग। अरे भाई तुम भी भोपाल रिटर्न हो? तुमने आगे पुलिस को शिकायत की? यहाँ पे काम चल रहा है लैपटॉप का। अरे भाई दोबारा कौन पकड़ाया है? अरे भाई ना ये दोबारा पिछली बार कब पकड़ाए थे? नवंबर में। तो यहाँ पे समझाइश दिया था मीडिया बंधुओं के सामने, जो समझाया था तो समझ नहीं आया था तुम्हें उस टाइम? कम से कम अभी 6-7 महीने जेल रहोगे, कम से कम बताओ सजा हो जाएगी 5 साल की? 11 तारीख को कभी भी शुरू किए हो? अपराध अपराध में आता है, इतना समझाया था तुम्हें पिछली बार मैंने, कोई समझ में नहीं आया तुम्हें? अब क्या जेल जाओगे 420 में? पहले वाला थोड़ी है 4 का जुआ 1, तुम तो ये सोच के दोबारा शुरू किए होगे। 4 का जुआ 1 लगेगा, आराम से एसपी साहब के सामने भाषण दूंगा और फिर वापस आके अपना दोबारा काम में लग जाऊंगा। दोबारा इस काम में कैसे गए तुम? होली के बाद खाली था सर। खाली था तो इस काम में लग गए? नहीं, वही पे घर के पास एक लड़का रहता राहुल करके। कहाँ पे? घर के पास। राहुल क्या नाम है? राहुल क्या काम करता है? सर कपड़ा बेचता था पहले सर। पहले कपड़ा बेचता, अब क्या करता है? अब बाहर था सर। अब बीच में बाहर कहाँ था? नहीं पता सर। अरे क्या नहीं पता तुम्हें? लंबा जाओगे अंदर जो पूछ रहा हूँ सही जवाब दो। सही बता रहा हूँ सर, बीच में मिलना अभी होली के बाद। काम करेगा क्या भाई? क्या काम है करके तो? हाँ। जाके देखना करके, वहीं पे घर के पास भेजा मेरे को 11 तारीख को। उसके बाद घर आया तो 12 तारीख संडे था सर, संडे को शाम को काम में आके बैठो बोला, नहीं गया उस दिन 11-12 को, नहीं गया 13 को गया सर मंडे को। और काम में लग गए? लगा नहीं सर, बैठा था लैपी में बैठता था। लैपी में बैठते और क्या काम करोगे वहाँ पे? लैपटॉप का ही काम है, लैपी में बैठता था और क्या काम करोगे वहाँ पे? भाई जो काम है वही काम कर रहे थे ना पुराने? पिछली बार कितने काम किए थे? कहाँ से पकड़ाए थे पिछली बार? 27 दिन। कहाँ से पकड़ाए थे पिछली बार? तो भोपाल से पकड़ाए, फिर भी नहीं सुधरे, निकलते ही काम कर रहे हो। पकड़ा के तो 11-12 कहानी सुना रहे हो मुझे। वो आदमी जो गायब था इतना दिन से, कहीं जाके चला रहा था अपना ऑनलाइन ऐप, सब पता है तुम्हें, फिर उसके साथ मिलके काम कर रहे हो? जाओ लंबा रहो, मुझे क्या है? नहीं सर, नहीं पता। अरे भाई धाराएं बढ़ गई। अरे भैया धारा बढ़ गई है, तुम्हारे जैसे लोगों को लंबा जेल जाना बहुत जरूरी है, जैसे बाकी युवक जो है ना वो सीखे। ऐसे युवक जो पता नहीं बात समझ में आती है, बोलो पिछले बिना हथकड़ी बड़े पिछली बार समझाने का मौका दिया, समझने का मौका दिया, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही है बात। जब सोच ही लिया है अपना जिंदगी खराब करना है, अपराध की दुनिया में जाना है, अपराधी बनना है, तो फिर क्या है? जब अपराधी बनना तुम्हें स्वीकार है, अभी तक एक भी आदमी रिपीट नहीं हुआ है। पहले आदमी हो तुम जो रिपीट हुए हो यहाँ पर आने के बाद, जितने लोग आए, कोई डर नहीं तुम्हें पुलिस पर? लैपी लेके बैठ गए? डर होता तो लैपी में बैठते तुम, वहां पे निकल जाते तुम। तुमने आगे पुलिस को शिकायत की? यहाँ पे काम चल रहा है लैपटॉप का, घर आने के लिए बोला तो? नहीं सर। घर पुलिस का नंबर है तुम्हारे पास? सबके पास नंबर है मेरा, फोन करके बताया तुमने मुझे? सब पकड़ के यहाँ पे मेरे काम करवा रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बताओ तुम्हारे नंबर से फोन आया क्या मुझे? नहीं किया। का मतलब ये मिलकर काम कर रहे थे तुम? परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा से बच्चे हैं? बच्चे परिवार में नहीं है क्या? उनको अलग कर दिया तुमने क्या? कितने बच्चे हैं तुम्हें? 2 बच्चे। कितने बड़े हैं? अरे कभी KG 1 में और 25 छोटे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? कोई गरीब पास स्कूल है। बताओ यार बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ तो उनका सोचा करो फ्यूचर का यार, भविष्य का। घर वाले रोके नहीं तुम्हें कि बेटा छूट के यहाँ से गए? घर वाले नहीं बोले कि अभी काम नहीं करना ऑनलाइन वाला फट्टा वाला?
कम पढ़े लिखे होगा तो फट्टा चलाओगे तुम? ऑनलाइन लैपी चलाने वाला आदमी कम पढ़ा लिखा कैसे होगा? जो आदमी लैपी चला सकता है लैपटॉप तुम्हारा, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी का काम है। जो आदमी ये काम कर सकता है 10 रोजगार और कर सकता है वो, लेकिन मेहनत का काम तो करना ही नहीं है तुम्हें। तो खाली होगा तो जब बताइए, एक पार्ट टाइम जॉब है ये, जब खाली हो गए ऑनलाइन बेटिंग शुरू कर दोगे तुम और युवाओं को भड़काओगे तुम्हारे जैसे लोगों पर, और धाराएं बढ़ाओ यार। देखो इसमें ठीक है, जितनी धारा है ना 45, 67, 90X सब लगाओ, तभी ये लोग जो है टाइट होंगे, तभी ये लोग समाज में आएंगे। तो फिर वो बाहर निकलेंगे, फिर दूसरे लड़के को भड़काएंगे, कुछ भी नहीं है, 2-3 महीने जेल रहना है, फिर निकल जाना है, बहुत पैसा है, फिर काम में लग जाना है। अरे भैया पैसा फ्री में काम कर रहे हो तुम, एक भोपाल से लेके आए तुमको, समझाई थी तुम्हें, उसके बाद नहीं समझ रहे हो तुम। पहली बार होता तो कोई बात था, तो भोपाल से कितने लोग पकड़ाए थे उस टाइम तुम्हारे साथ? भोपाल में कितने लोग पकड़ाए थे? 8 लोग थे तुम्हारे ग्रुप में, टोटल कितने पकड़ाए थे? 18 लोग पकड़ाए थे। तो 18 में कितने लोग काम में लग गए तुम्हारा इसी काम में? कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, 2-3 से कॉन्ट्रैक्ट था, घर के पास रहता हूँ भाई, काम करता है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ हाँ बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम भी लंबे खिलाड़ी हो। मैं तो मेरे को दूसरा चीज लिखवाने लाया था सर। क्या चीज लिखवाने लाए थे? फोन दिए थे, फोन में जो भी आएगा उसको कॉपी। अरे भैया इसे मिले नहीं, दोस्त इसके हो, इसे बताया नहीं भोपाल रिटर्न है, ये भोपाली है, भोपाल रिटर्न, भोपाल इतना बड़ा समृद्ध शहर है, उसका भी नाम तुम्हारे जैसे लोग खराब करते हैं। ये भी तो भोपाल में था सर। ये भी भोपाल में था क्या? अरे भाई तुम भी भोपाल रिटर्न हो? झारखंड से। झारखंड का रहने वाला है, तब भी नहीं सुधरे, पिछली बार भी समझे। अरे यार पहचान, इतने लोग पकड़ा गए हो ना तुम लोग के पहचान में भी नहीं आते हो, तो भाई तुम्हें इतना रम गया ये ऑनलाइन बेटिंग। अरे भाई एक बार भोपाल में पकड़े गए, पता है तुमको ये लोग यही काम करते हो, मुझे कहानी सुना रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो तुम। एक बार पकड़ा चुके हो, ऐसा तुम्हारा दोस्त है भोपाल रिटर्न जो, उसके साथ पता है यही काम करते हैं, मुझे कहानी सुना रहे हो, लिखने के लिए बुला रहे हैं। जो आदमी पता करेगा जॉब का, पता करेगा कि कैसे लोगों के साथ जॉब कर रहे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, तो क्या वहाँ पे लिखने का काम कर रहे हो? कहानी सुना रहे हो मुझे? गंभीर धारा में बंद हो गए तब मालूम चलेगा तुम लोगों को, वो गलती हो गई पिछली बार जो सामान्य धारा में तुम्हें कार्रवाई कर दी मैंने। अब तो जाओगे लंबी धाराओं में, क्यों चिंता कर रहे हो? गलती हुई तो गलती की सजा भी मिलनी चाहिए ना भाई, जिसने जो गलती की है उस गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। कानून इसीलिए तो है ना भाई, जेल इसीलिए तो है। तुम मर्डर कर दो, कहो गलती हो गई, थोड़ी कानून तुम्हें नहीं देगा सजा। जो कानूनी जुर्म है उसका इतना सजा है, उतना सजा मिलेगा। लेकिन ये सब धाराएं बढ़ाएं सब में ठीक है, ये सबको बहुत जरूरी है, कम से कम ये लोग जितनी सजा है 7 साल 10 साल की सजा काट के निकले, तभी क्या है इन लोगों में डर आएगा। जो बाकी युवक है जो इनको देख के ऑनलाइन बेटिंग की तरफ खींचे जा रहे हैं, उन पर भी दबाव बनेगा। पहली बार ये तो रिपीट शुरू हो गया, वो भी अपने ही यहाँ रह के कर रहे हैं, कोई डर नहीं तुम्हें दुर्ग पुलिस का, दुर्ग में रह काम कर रहे हो तुम लोग झारखंड से आके। किसके कहने पे आए थे झारखंड से? झारखंड से किस किसने बुलाया तुम्हें? राहुल है ना मास्टरमाइंड, राहुल कहाँ है अभी? ट्रैक कर रहे हैं, जल्दी पकड़ाएगा। एक राहुल कौन है जरा? राहुल मैं हाँ, राहुल से जान पहचान तो भी कैसे हुई, किस नंबर से बात करते थे राहुल से? भोपाल से ही कांटेक्ट में हो, मतलब छोड़े ही नहीं हो उसका साथ, मतलब लगातार निकले नहीं, नेक्स्ट डे से शुरू हो गए। झारखंड तो वापस ही नहीं गए तुम, झारखंड वापस गए थे? हाँ वो तो सीडीआर निकल जाएगा मालूम चला, झूठ बोल रहा मुझे। कितने दिन रहे झारखंड में? 1.5 महीने का तो नवंबर में पकड़ाए हो तुम, 1.5 महीने वहाँ रहे हो, दिसंबर में जनवरी से आ गए हो यहाँ नए साल में, 3 महीने से खेल रहे हो। तुमको गणित क्या कमजोर है क्या मेरी? फ्री की आदत पड़ गई, इतना पैसा कमाने की कहाँ तुम झारखंड में रह पाओगे तुम लोग? उस टाइम भी समझाया था, राहुल बोला होगा कुछ नहीं होगा, जमानती अपराध है, छुड़वा देंगे तुमको दोबारा। पिछली बार जमानत में कितने पैसे लगे? पिछली बार जमानत जब पकड़ाए थे नवंबर में कितना पैसा लगा?
20,000 लगा, कौन दिया था? घर वाले थोड़ी दिए, राहुल ही दिया होगा। तो घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, दे दिए फिर भेज दिए, झूठ बोल के क्या लंबा रहोगे अभी जेल में, वरना जमानत भी नहीं हो पाएगी जल्दी तुम्हारी। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? छोटा भाई, शादी हुई नहीं हुई? तो जेल में तो उम्र निकल जाएगी तुम्हारी तो यार। चलो कोई बात नहीं, जेल में भी बाकी लोगों को अभी अभी तो चिंता मत करो, बहुत लोग पहुंचेंगे जेल तुम्हारे ऑनलाइन बेटिंग के ना, क्योंकि अब तो गैर जमानती में हो रहा है, पूरा सेल बनाना पड़ेगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। ये देखो गाने भी और म्यूजिक टोन भी कैसा लगाते हो, देखो उसी में तुम्हारी हरकतों का पता चलता है। हो जो कर रहे हो ना जेल में भी हो जाएगा तुम लोगों का। लोग कितने पैसे में कर रहे थे? वही होगा 15,000-20,000 वही। ये मोबाइल 1,00,000 का कौन चला रहा है? 1,00,000 का 2 मोबाइल किसका है? अरे 1,00,000 का मोबाइल चला रहे हैं ये तो 1,00,000 का मोबाइल है। 1,00,000 अरे भैया कौन चला रहा है? किसका है? एक तुम चला रहे थे, कितने में खरीदे? कहाँ से आया था? कौन लड़का? अभय नाम ही अभय, वो भय हो जाएगा उसको। ये अभय कहाँ का रहने वाला है? अरे भैया कुछ भी दे देगा तुमने, इतनी महंगी मोबाइल ऐसे ही तुमको दे देगा अभय? अरे तू काम ही इतना कर रहे हो, 5 महीने से लगातार डेली 8-8 लाख कमा के दे रहे हो, तो देंगे ही ये लोग। तो वो है ना प्राइम कस्ट प्राइम, वो क्या कहते हैं उसको, जो एम्प्लॉई होते हैं ना बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ S22 Ultra है। देखो मेरा फोन और तुम्हारा फोन बिल्कुल एक जैसा है, तो कन्फ्यूजन में ये भी उठा कर ले जाते तू, ये भी जब्ती बन जाएगा। तो पहले छोटे मोटे फोन जब्त होते थे, अब पैसा बहुत आ गया ना इन लोगों के पास। देखिए ना सर, एक एक दिन 25-25 लाख का इनका, 25-25 लाख एक एक दिन का। तभी तो फोन जब दे रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, ये तो हम अपने बेचारे कॉन्स्टेबल्स को नहीं दे पाते हैं। देखो इनके एम्प्लॉयज को क्या मिल रहा है, अब तो हाई पैकेज में आ गए हैं ये लोग, बोलते हैं 15,000-25,000। अरे भाई 17,45,000 का एक दिन में ट्रांजेक्शन है। देखें जरा भोपाली रिटर्न दोनों को। अरे भाई कहानी बताओ, भोपाल में से पूछेगा तू, भोपाल से आया समझा नहीं समझा तुम्हें मैंने? महंगे महंगे मोबाइल रखते हो, हीरोगिरी करते हो, मुझे अपना फोन जाते हो। आगे 22 लाख ये देखो, ये 20,17,396 एक दिन का ट्रांजेक्शन। इसके आगे 16/3/23 को एक दिन में 20 लाख का खिलवा देते हैं, क्या लोग हैं ये लोग। अरे भाई एवरेज यही है 20 लाख, 17 लाख 14/3 को, 15/3 को डेली खिलवाते हैं नॉन स्टॉप, 16,38,000 21 लाख 20 लाख 21,27,000 25 लाख 43,000 तुम लोग तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पहले वाले तो चल 8 लाख 9 लाख का खिलवाते तो 25-25 लाख पे आ गए डेली, और कम हो गए खिलाने वाले तो एक आदमी पे ज़्यादा खिलाते हैं। तभी तुम लोगों को इतने 1.5 लाख का मोबाइल तुम लोगों को गिफ्ट में मिला है। काम क्यों नहीं करेंगे 1.5 लाख का मोबाइल? और क्या क्या मिलता है तुम लोगों को एडेड बेनिफिट? तो 1.5 लाख का मोबाइल दे दिया और भी तो ऐश करते होगे भाई। एक मोबाइल किसका? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के और क्या साधन दिए गए? 25-25 लाख कमाते हो डेली। हाँ कोई बात नहीं, जेल जाओगे तो फिर सब याद रहेगा। इस बार इतनी धाराओं में जितना 25 लाख कमा रहे हो ना, उतनी धाराएं भी लगेंगी इस बार, ठीक है? नहीं गलती तो भाई सजा भुगतना पड़ेगा। एक बार का आदमी गलती करता है उसको आदमी क्षमा मिलता है, क्षमा भी नहीं मिलना चाहिए था मेरे से, उसी टाइम गलती हो गई कि तुम लोगों को गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई नहीं की। तुम लोगों को मैंने सोचा कि तुम लोग रिक्रूटेड हो, पूरा जीवन है 20-25 साल के लोग हो, लेकिन समझने को ही तैयार नहीं हो। गलती तो सजा निकल करनी पड़ेगी ना, गलती से थोड़ी तो कोर्ट देगा भाई, कितनी बड़ी गलती की है तुमने, कितनी सजा होगी, माननीय न्यायालय देगा वो तो। उसमें हम क्या कर सकते, तो केस ही बना सकते हैं, और केस तो पुलिस तगड़ा ही बनाएगी, हल्का केस नहीं बनाएगी। तुम आ जाओ भाई न्यू कर, तुम भी पहली बार हो तो भी रिटर्न हो कहीं के,
पहली बार आए हो सत्सम्मान? चार दिन हो गए थे, हम बाहर जा रहे थे, कल बोले थे। ये भी आपके क्षेत्र के? कहाँ के हो? बिहार से कोई ऐसे नहीं आएगा इतना दूर। बिहार में कहाँ के हो? पहली बार पाकर। अरे कहाँ से, कौन मिला तुमको? तो कौन मिला तुम्हें यहाँ पे? राहुल मेरे दोस्त। राहुल भाई कमरिया सब चलती है ना, पूजा करने के लिए जाते हैं, दुकान वगैरह लगते थे। तो क्या राहुल क्या पूजा करने आया था? मैं दूसरा ही दोस्त मिला था, तो वही बुलाया था। वो तू बुलाया तो चले गए? कोई तू वहाँ पे आएगा, वहाँ पे कावड़िया लेके वो बोलेगा आ जाओ भिलाई, तो भिलाई चल दोगे? काम करोगे लिहाज करेंगे। हाँ काम करोगे, ये नहीं बोला था ये काम करना। अरे भैया इतने लोग लैपटॉप के साथ बैठे हुए, ये काम आदमी कहीं दूसरे राज्य जाता है, सब पता करके जाता है। पहले नहीं बोला था ये काम। चलो कोई बात नहीं, तुमने कभी पहले जेल देखा है? नहीं। चलो दुर्ग जेल में तुम्हारा स्वागत है। दुर्ग जेल में चार दिन हुआ था। अभी तो बोल रहा हूँ यार, छत्तीसगढ़ की माटी में रहोगे, जाओगे फिर बिहार, जब जेल से निकल के जाओगे 5-10 साल के बाद, तो वहाँ बताओगे ना छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का जेल भी बहुत अच्छा है। नहीं फीडबैक फॉर्म भरवाना जो जेल से निकलेगा तो, ठीक है? छत्तीसगढ़ जेल फिर कैसा लगा? तो पहली बार यार, देखो यार कोई मर्डर पहली बार करे या दूसरी बार करे, जो जो जैसा जो अपराध करेगा उसकी सजा तो मिलती है ना यार। पहली बार मान लो पहली बार कोई बलात्कार कर देगा, बोले पहली बार बलात्कार किया, छूट मिल जाएगी उसको? तुम बताओ छूट मिलेगी उसको? ये भी उससे बड़ा अपराध है ये ऑनलाइन बेटिंग। 25-25 लाख लोगों का चूना लगा रहे हो तुम लोग एक दिन में। 6 दिन में केवल 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर लिए तुम लोग। हफ्ते में 1.5 करोड़ मतलब एक महीने में 6 करोड़ का ट्रांजेक्शन तुम लोग कर रहे हो। 6 करोड़ किसका जा रहा है? गरीबों का पैसा जा रहा है, वो अमीरों का नहीं जा रहा है। कोई 2,000 लगा रहा है, कोई 5,000 लगा रहा है, कोई 10,000 लगा रहा है, तुम्हारे जैसे डकैतों के कारण ना। और बाके से या बाका से आ रहे हो? सबको पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, जेल में जाना तो इन लोगों से पूरा समझ लेना, ठीक है? इसे दोबारा जब जेल से निकलोगे तो ये गलती मत करना, ठीक है? बिल्कुल, जेल में रहना 5-6 साल, जब निकलोगे ना दोबारा नहीं करना है, बस। चलो साइड हो जाओ, तुम लोग जो है ना इन लोगों के लिए। आइए आइए पंडित जी, सभी धारा जोड़ के इन पे दुरुस्त केस बनाए, ठीक है? ये लोग जो है ना किसी भी तरह से ये के लायक नहीं है। और इधर आना यार, झारखंड। और कितने लोग काम करते हैं तुम्हारे साथ? 3 लोग फिर चलेगा नहीं ये मॉड्यूल। इधर आ जाओ, जो पूछ रहा हो सही बताना, ठीक है? नहीं तो इस बार इतनी सेवा होगी ना कि वो कम मत समझना दुर्ग पुलिस को। हर तरह का सर्विसेस अवेलेबल है यहाँ पे। दो भैया लोग थे, तीन लोग में कैसे काम होगा रात में? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, अकाउंट चलेगा, एक आदमी कैसे रहेगा? काम कम था, 25 लाख का काम कम था। अरे भाई बोल रहे हो, 25 लाख का काम तो डेली का कम था। जब 8 लाख का काम था तो 8 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, और अब 25 लाख का काम हुआ तो सुपरमैन अकेले रात भर देख लेते थे। तो सुपरमैन हो यार, तभी तुमको ये मोबाइल दिए हैं, तुमको तो हाईफाई सुविधाएं मिली होंगी। अकेला आदमी 25 लाख का काम कर लेता है सुबह से लेकर शाम तक में, किसको बेवकूफ समझते हो? देखो जितना झूठ बोलोगे ना उतनी धाराएं बढ़ेंगी, ऐसे ही है। अकेले संभाल लेते थे पूरा, इतने सुपरमैन हो, फिर बोलते हो कि मुझे बताया नहीं, मैं ऐसे ही आ गया था। अकेले क्रेडिट भी देखते हो, डेबिट भी देखते हो, एडमिन भी देखते हो, और फिर बोलते हो मुझे पता ही नहीं था मैं क्या काम कर रहा हूँ। सबसे बेवकूफ तुम्हें पुलिस अधीक्षक दुर्ग ही दिख रहा है क्या बेटा? हाँ मेरी बाकी इलाजों का ना इंतजार मत करो, नहीं तो ठीक हो जाओगे पूरी तरह से। सब दिमाग जो है ना काम, पुरानी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। गलती नहीं, सच बताओ बेटा, ये राहुल तुमसे कितनी बार मिलता था दिन में? और ये जो पैसा पूरा आता था, ये 25 लाख भेजते कहाँ थे इस पैसे को? ऊपर कहाँ? ऊपर हाँ हाँ, तो कहाँ डालते थे? कौन डालता था ये ऊपर? वो भैया लोग ऊपर से ही करते थे, यहाँ से। कौन भैया लोग? ऊपर वाले लोग, जो ऊपर वाले कौन? यहाँ कोई ऊपर नहीं है, हम ही ऊपर हैं। तुम्हारे जो ऊपर वाले बता रहे हो ना तुम, वो सब नीचे हो जाएंगे आने वाले समय में। पैसा एक पड़ता था, दिन में कितना नंबर पैसा मारते थे तुम? 50-50 हज़ार करके मारना पड़ता है, 2.5 लाख एक बार मार लेते थे। 25 लाख दिन में 10 बार मारते होगे तुम लोग।
तीस से पच्चीस ढाई लाख रुपये ऐसे कुछ पूरा हिसाब में जाता था कि 50,000 करके आपको 24 घंटे में मारना है। बाकी पैसे क्या करते थे? बाकी सारा अकाउंट में ही रहता था, बस अकाउंट में ही रहता था। चलो तुम्हारे कुछ दिन में जेल में रहना, राहुल भैया को भेजेंगे तुम्हारे, ठीक है? जिससे राहुल भैया को भी साथ में तुम लोग, ऐसा नहीं लगे तुम लोगों को कि हम छोटे लोग हैं, हमें लपेट दिया पुलिस ने और राहुल भैया को छोड़ दिया। तुम चिंता मत करो, राहुल भैया, अभय भैया, जो जो भैया है ना, सबसे भैया के लिए करना जेल में। और कौन कौन भैया थे तुम्हारे? किनको? अभय को और राहुल। अभय क्या काम करता है? दो तीन बार तो मिला ना भाई, तो क्या काम करता था? कुछ नहीं। हाँ, बाहर में बुलाता था, पूरा दुर्ग भिलाई तो चप्पा चप्पा छान मारे तुम लोग, एक्सपर्ट हो गए और दुर्ग भिलाई के इतना रम गए कि झारखंड ही छोड़ दिया तुमने। ये राहुल और अभय भी भिलाई का निवासी? हाँ 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 हाँ, ये मास डेढ़ करोड़ कमा रहे हैं हफ्ता का, सोचो ना, 6 करोड़ महीने का है, 60% प्रॉफिट है, मतलब 3,60,00,000 ये कमा रहे हैं एक महीने में, 3.5 करोड़। तुम लोग तो यार सरकार चला लोगे जो हाल है। हम लोग छोटे मोटे फंड के लिए परेशान होते हैं, इतना पत्राचार करना पड़ता है हमें मुख्यालय, इनको देखो यार, एक एक महीने में 3.5 करोड़ कमा रहे हैं, मतलब साल का 40 करोड़ एक ब्रांच चला के कमा रहे हैं ये लोग। तुम्हें कोई डर नहीं लगा कि दूर पुलिस पकड़ लेगी भाई झारखंड? नहीं नहीं, ये कोई डर नहीं लगा कि दूर पुलिस पकड़ लेगी हमारी नाक? डर लगता नाक के नीचे कर रहे हो पेलाएं बैठ के वैशाली नगर में, पिछले तो भोपाल में कर रहे थे, कम से कम लग रहा था कि भोपाल में कर रहे हो। तुमने तो खुला चैलेंज दे दिया, चैलेंज ही दिया तुमने, यहाँ इतने प्यार से तुम लोगों को खड़ा किया 18 लोगों को पिछली बार, चाय वाय पिलवाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी यार कोई शर्म नहीं तुम लोगों को? सोचे होगे दोबारा चाय मिलेगा, इस बार की चाय थोड़ी कड़वी हो सकती है भाई। रात में हो चुकी है कड़वी, एक राउंड हो गया क्या? अरे भाई रात की चाय ठीक थी ना? अरे चाय पी के कि यहाँ फंस गए? लेकिन बड़े ढीठ टाइप के हैं ये लोग। प्रॉफिट ही इतना है ना, 1.5 लाख का मोबाइल जब मिलेगा, 3 करोड़ महीने का कमाएंगे, कहाँ सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे यार ये लोग। कितना महीना दे रहे थे तुमको? अरे आप सोच रहे मोबाइल 1.5 लाख? देखो आप कितने साल से काम कर रहे हो मीडिया में? 18-19 साल। 19 साल आपको मैक्सिमम, आपके कंपनी ने कितने का मोबाइल दिया? 20,000। इनको मिला है इनका 1.5 लाख। इनकी बिटिया बोली सर साइकिल चाहिए, 2 महीने तक सोच रहे हैं साइकिल। मतलब 7.5 गुना ज्यादा है। हाँ। तो अपने सैलरी है 7.5 गुना कर लो। अब समझ जाओ ये कितना कमा रहे हैं ये लोग, ये थंब रूल है, ये लोग अंधाधुन कमा रहे हैं। पिछली बार आए थे नॉर्मल में थे, एडिडास का पहने हुए, नहीं देख रहे हो आप? अब अभी लोग छोटे लोग थोड़ी बच्चे, एंटरप्रेन्योर टाइप के हो गए हैं ये लोग। वो राहुल से फ्रेंचाइजी भी ले लिया, वो कोई ठीक नहीं, अब ये कोई छोटे नहीं है ये लोग, कोई झारखंड में भी राहुल था ना? हाँ था ना। भोपाल वाले कौन चला था? भोपाल वाला मुकेश करके था, तो मुकेश कहाँ गया? सब पता है बेटा तुम्हें, कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ तुम्हें, लगा होगा कि हम लोग तो ऐसे ही निकल गए पिछली बार, तो डर ही खत्म हो गया तुम लोगों को। अरे बेटा तुम्हारा जेल जाना बहुत जरूरी है, और जेल में लंबा रहना तो उससे भी ज़्यादा जरूरी है, तभी जो बाकी जो ऑनलाइन फट्टा में खिलाने वाले लोग हैं उनके अंदर डर आएगा भाई। इनको तो एग्जाम्पल अपने को सेट करना है, ये तीनों यदि बेल मिल के निकल आए बाहर तो बहुत बड़ा खतरा है दुर्ग पुलिस के ये कि नहीं नहीं दूसरी बार तो करोगे दूसरी बार सजा मिलेगी, पहले की सजा पहली बार मिलेगी, करोगे तो निकलोगे जी मत करना, करोगे दोबारा पकड़ लेंगे, मेरे को कहता रहम कर रहे हो नहीं करूँगा, करोगे दोबारा पकड़ लेंगे फिर जेल जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम करते रहोगे हम पकड़ ही नहीं पाएंगे तुम्हें। इन लोगों का पोस्टर बना के ना लगाना बाहर, ठीक है सर? इन थानों में ना इनके पोस्टर लगवाना, ये लोग बहुत जरूरी है, सब जो रिपीट ऑफेंडर्स है ना, और ये घर में पत्राचार भी करें सर, ठीक है? तभी इनके घर वालों को मालूम चलेगा, ये आके दूसरे राज्य में बताओ यहाँ के तो एक्सपोर्ट होके झारखंड में चलाते थे,
तुमने तो उल्टा कर दिया, दुर्ग पुलिस की पूरी ऐसी की तैसी कर दी कि झारखंड वाले आके यहाँ चला रहे हैं। ये तो रिवर्स माइग्रेशन टाइप का हो गया। अरे गलती तुमने मेरी इज्जत बट्टा लगाया, तुम्हारा कोई बट्टा लगना चाहिए भाई। इस बार मेरी काउंसलिंग का 100% रिजल्ट रहा है, ये दो तुम लोग वाला मेरा रिजल्ट खराब कर दिए मेरा। पहले लोग हैं जो रिपीट आए हैं, रिपीट आए हैं और पूरे और जोश और ऊर्जा के साथ रिपीट हुए। पिछली बार डेली 8 लाख का चलाते थे, इस बार 25 लाख का चला रहे हैं। पिछली बार तो भोपाल में चला रहे थे, इस बार तो कंट्रोल रूम के पीछे ही चला रहे हैं। हाँ भाई, कोई डराया नहीं तुम्हें, पुलिस पकड़ लेगी। ये है कि झारखंड का है, कोई दुर्ग पुलिस का पता ही नहीं है। पिछली बार आया चाय वाय पी के चला गया तो डर ही नहीं हुआ इसको, ऐसा ना भाई। चलो भाई, दुर्ग पुलिस का जेल देखोगे तो शायद तुम्हारा मन बदले कि ये ऑनलाइन बेटिंग छोड़ना है। जेल में कुछ अलग मजा है, जेल जाने के बाद सब ठीक हो जाते, ऐसा क्या है? प्लीज क्या भाई, प्लीज जज साहब को बोलना पड़ेगा, कुछ पेश करेंगे ना माननीय न्यायालय में। और जमानती खत्म हो गया भाई, ऑफर अब तो धाराओं का ऑफर है। हाँ, और ये राहुल का क्या पता चला? सर कल था, अबे जो है अबे तो बाहर है, बाहर मतलब वो भी कहीं चला रहा है, नहीं मुकेश को भी ढूंढ रहे, वो भी बाहर है। ये सब बाहर पैनल चला रहे होंगे, व्हाट्सएप से करते हैं, कॉल चलते हैं इनका। नहीं अबे तो अबे मिल जाएगा, कल था वो लेकिन भाग गया, वो रायपुर में है, रायपुर में है। अरे भाई भेजना यार, इनका मन लगेगा ना वहाँ पर, बहुत कम पकड़ाए हैं, 3 ही है। पहले के 8-10 जाते एक साथ, तो वहाँ पे अपनी एक टीम बना के रखते। कौन सी टीम? महादेव टीम। और मुझे लगता है वहाँ सेल बन जाएगा कुछ दिन, महादेव सेल देखना, क्योंकि सुधरेंगे तो है नहीं, अब बैरक तो बन ही जाएगा। बैरक सोचो यार, आप सोच सकते हो डेली का 25 लाख का ट्रांजेक्शन, 6 करोड़ में तो 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट। तो बड़े बड़े यहाँ इंडस्ट्रियल सब नहीं है अपने, छोटे वाले वो भी नहीं कर पाते, हमको भी बना 3.5 करोड़ का प्रॉफिट सुनेंगे। दुर्ग पुलिस द्वारा महादेव ऑनलाइन बेटिंग कार्रवाई करते हुए आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 लोग पहले भी भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन बेलेबल ऑफेंस जुआ एक्ट 4 में तुरंत छूट गए थे, जिससे इनके हौसले और बुलंद हो गए। और जब भोपाल में पकड़े गए थे, डेली का इनका 8 लाख का ट्रांजेक्शन एवरेज था, अभी ये लोग डेली का 25 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे थे, 1 महीने में 6 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे थे और करीब 3.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनको था। ये लोग कॉस्टली मोबाइल्स रख रहे थे, पॉस कॉलोनी में रह रहे थे और एक बड़ी लाइफ, अच्छी लाइफ जो है, लग्जूरियस लाइफ लोग इन्जॉय कर रहे थे। इनके ऊपर पहली बार दुर्ग पुलिस ने, जिस घर में ये पाए गए उस घर के मालिक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिनके बैंक अकाउंट्स यूज हुए हैं उनके ऊपर पहली बार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस दोबारा आह्वान करती है कि अपने अकाउंट्स को रेंट में ना दें, जानबूझ के रेंट पे देने पर और मालूम होने पर कि ऑनलाइन बेटिंग चल रही है, आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, होगी आने वाले समय में। जो भी अकाउंट्स जिसको जिसमें ट्रांजेक्शन हुआ है वो मिलेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से। इससे जो ऑनलाइन बेटिंग के तार जो हैं जल्दी ध्वस्त होंगे। दुर्ग पुलिस महादेव ऐप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, 2 आरोपी जो है, एक झारखंड का, एक बिहार का, इनका किस तरह के हैं, इनका बैकग्राउंड क्या रहा और पहले कैसी कार्रवाई हुई थी? पहले भी ये पकड़े गए थे भोपाल से, उस टाइम क्योंकि वो हम जमानती अपराध उस टाइम कायम किया करते थे, तो उसमें ये लोग छूट गए थे। छूटने के बाद हौसले और बुलंद हुए और दोबारा ये काम में लगे। हमारी मंशा ये थी कि जो लोग रोजगार के झांसे में आके फंस गए हैं, लालच में आ गए हैं, उनको एक मौका दिया जाए। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग अब दोबारा कार्रवाई कर रहे हैं, दुर्ग पुलिस अब लगातार जो भी कार्रवाई हो रही है वो गंभीर धाराओं में हो रही है, गैर जमानती धाराओं में। सर, इन्होंने आईडी किस कर लिया था? इनके द्वारा जो है राहुल और अभय और मुकेश के नाम सामने आ रहे हैं। राहुल और मुकेश जो है बाहर से रह के, छत्तीसगढ़ के बाहर से रह के व्हाट्सएप के माध्यम से संभाल रहे हैं, जबकि अभय लोकली यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहा था। जो अभी फरार है उसको जल्दी गिरफ्तार तीनों को किया जाएगा। सर, लगभग अब तक 600 करोड़ आपने कार्रवाई की बात कही, सर आगे कैसे, जब्ती आगे इसमें क्या किया जाएगा? अब तीनों तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक जो शेल कंपनी, जिसे आज भी बताया गया कि पैसों को जो है आउटगोइंग अकाउंट्स में डेली शिफ्ट किया जाता है
ढाई लाख के ट्रांचे में, 50-50 हज़ार के 5 ट्रांचे में। तो जो शेल कंपनी है पैसा रूट हो रहा है उन शेल कंपनीज पे कार्रवाई की जाएगी, जो लोग अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी, जहाँ रुक के कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर की जाएगी, जो इनके पैनलिस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो एक मल्टी मॉडल अप्रोच से दुर्ग पुलिस काम कर रही है और लगातार साक्ष्य जो है ऑन, जब हम शेल कंपनीज पे काम करेंगे तो पैसा शेल कंपनीज के थ्रू ऊपर कहाँ जा रहा है उसमें, और जो है मास्टरमाइंड के नज़दीक हम पहुँचते चले जाएंगे। सर कल रात पे भी दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, किस तरह का? कल रात भी कुछ युवक हिरासत में लिए गए हैं जो कि अकाउंट्स जो है वो ऑनलाइन बेटिंग में दिया करते थे और उससे मंथली रेंट 10,000 रुपये लिया करते थे। आप समझ सकते हैं एक अकाउंट केवल देने के लिए कोई आदमी 10,000 रुपये महीने का ले रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट खुल गया है जो कि अपना अकाउंट देते हैं, जानबूझ के देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो उनको डर नहीं था। कल वो मदिरा पी के हल्ला मचा रहे थे, कहीं ना कहीं पैसा आराम से आ रहा है तो ये लोग उसको नशे में भी उड़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में इन सभी अकाउंट होल्डर्स के ऊपर अभी आगे कल जो है अभी कार्रवाई चल रही है, कल तक उनके ऊपर कार्रवाई करके माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। ये लोग व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ते हैं, इनको लालच है, आप देख सकते हैं कॉस्टली मोबाइल्स दिए जा रहे हैं, कॉस्टली घर में रखे जाते हैं, ऐसो आराम रहता है, एसी रहता है, दिन का 10। अब ये लोग, पहले इनकी सैलरी कम की बात आती थी, अब ये लाखों रुपए की सैलरी उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे की लालच और कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा के कारण जो है ये लोग जुड़ रहे हैं। काफ़ी सारे युवक ऑनलाइन बेटिंग को छोड़ के अपने बाकी रूटीन धंधों में लग गए, लेकिन अब जो भी लोग ऑनलाइन बेटिंग में रहेंगे उनके ऊपर IPC और IT Act की गंभीर धाराओं में आने वाले समय में कार्रवाई की जाए।